बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऐसा से है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दे दी गई हैं, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। इक्वेशंस जो दी गई हैं वो हैं क्वाड्रेटिक, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 आ गई है। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं। और यहाँ पर ये जो फॉर्म दी गई है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है, इक्वल के एक साइड पे ज़ीरो होता है और इक्वल के दूसरी साइड पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद लीनियर टर्म जिसको एक्स वाली टर्म कहते हैं और उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ये इक्वेशन दी गई हैं जो एक्चुअली कुछ क्वाड्रेटिक हैं, तो हम लोगों ने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। तो ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दो लीनियर टर्म्स दी गई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल के एक साइड पे ज़ीरो भी बनाएंगे। ये 7 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर ऑटोमेटिकली बाकी ज़ीरो रह जाएगा। तो देखिएगा, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। जब दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी पावर्स नहीं लिखी हुई, तो जिनकी पावर्स नहीं लिखी होती उनकी पावर्स हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तो इनकी पावर 1 होगी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -3x। और उसके बाद ये जो नंबर है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस और साथ में 7x आ जाएगा। 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -21 इज इक्वल टू -7। लो जी, इसके अगले स्टेप के अंदर हम इन दोनों टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x में से 3x निकाल देंगे तो बाकी आएगा 4x, और वो प्लस का होगा क्योंकि 7 बड़ी टर्म है, तो यहाँ पे प्लस आएगा 4x। और -21 वैसे ही लिख देते हैं। इसके साथ एक काम और करते हैं कि ये जो माइनस का 7 है इसको इक्वल के साइड पे ले आते हैं, तो ये इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे जस्ट 0 रह जाएगा। इसके आगे हम लोगों ने 21 में से 7 को निकाल देंगे और बाकी रह जाएगा 14। ये एक्स स्क्वायर वैसे प्लस 4x भी वैसे, और माइनस 21 में से 7 निकाला तो आएगा 14 और सिंबल आएगा बड़ी टर्म का जो कि है नेगेटिव और इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इक्वल के एक साइड पे 0, इक्वल के दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ही देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप लोगों ने यहाँ से डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, उसके लिए किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें ताकि नीचे से 3 और 7 दोनों ख़त्म हो जाए, तो वो नंबर है 21। इसके अलावा आप इसको एलसीएम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन वाले टर्म्स हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको एलसीएम के थ्रू सोल्व करवाता हूँ। हम लोगों ने इसको लिखना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखिएगा, लेफ्ट साइड पे जो एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इनका एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं जो कि बनेगा 21। और इधर जो राइट साइड पे 1 है वो नीचे वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद जो 7 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और सेंटर में माइनस है तो माइनस वैसे आ जाएगी, और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स दैट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाद जो 21 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 7 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर, और 7 को 4 के साथ करेंगे तो वो बनेगा 28, और उसके बाद आएगा माइनस
3x 21 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई आएगा 21, जब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो ये 3 है इसको पहले लिख लेते हैं और 28 को बाद में लिख लेते हैं, ये आएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 28 को बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो 21 है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 21 ही रहेगा और वो इधर प्लस का होगा, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो हम इस 21 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें इक्वल के एक साइड पे जीरो लाजमी बनाना होता है। अब इसके आगे हम ये करेंगे कि 7x स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस 3x भी नीचे वैसे आ जाएगा, और जो ये प्लस 28 है ये भी वैसे नीचे। 21 को राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पे मूव करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 21 इधर आके माइनस का, और इक्वल के दूसरी साइड पे जस्ट ज़ीरो रह जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टर्म्स नीचे फिर वैसे आ जाएंगी, 7x स्क्वायर माइनस 3x, और 28 में से 21 को निकालेंगे यानी कि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी 7 रह जाएगा, और वो 7 प्लस का होगा और इक्वल के दूसरी साइड पे ज़ीरो होगा। जब ऐसी सिचुएशन हो कि इक्वल के एक साइड पे ज़ीरो और इक्वल के दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, फिर एक्स वाला नंबर, फिर कांस्टेंट नंबर हो, तो उस वाले इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर है, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 किया है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसको भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमें लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना होगा और राइट साइड को एज इट लिखना होगा। तो हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं और इनका प्रोडक्ट हम लोग एज ए एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं, जबकि राइट साइड पे जो 6 है वो एज इट नीचे आ जाएगा। एलसीएम बन जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने एज ए एलसीएम कंसीडर कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। जब एक्स और एक्स सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और सेंटर में प्लस है तो वो प्लस नीचे वैसे ही आ जाएगी। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया। अब अगले स्टेप टू हम लोग इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि ये नंबर नीचे वैसे ही आ जाएगा, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ये वाला आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब a प्लस बी होल का स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर x मल्टीप्लाई 1 यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, उसके बाद लास्ट टर्म मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x x मल्टीप्लाई होगा तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा प्लस x, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो 6 है वो एज इट ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग फर्दर इसको सोल्व करेंगे और वो दोनों टर्म्स इधर डिवाइड हो रही हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर है तो ये एज इट आ जाएगा, और फिर ये 2 और x और 1 तीनों मल्टीप्लाई होके जस्ट 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यू नो दैट 1 ही होता है, और इक्वल के दूसरी साइड पे 6 इंटू ये दोनों टर्म्स इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके बाद हम लोग इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी फर्दर इनको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर सेम होती है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, या फिर अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता तो वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे, तो अभी ये ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 2x का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, ये 2x वैसे ही आ जाएगा प्लस 1, ये भी वैसे आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे ये 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 6x स्क्वायर, जब ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, इसके बाद x 6 को x के साथ भी करेंगे, ये आएगा 6x। उसके बाद ये तीनों टर्म्स इधर ऐड हो रही हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हम इनको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा देते हैं, और इधर रह जाएगा जस्ट ज़ीरो। ये 6x स्क्वायर नीचे वैसे ही लिखते हैं, प्लस 6x भी नीचे वैसे लिख देते हैं, ये 2x स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये 2x भी इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
और फिर ये वन इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके ये भी सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि 6x² में से 2x² को निकाल देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 4x². सबसे पहले हम लोगों ने एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ही लिखनी है, उसके बाद 4x में से 2x निकाल देंगे तो ये भी 4x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 6x में से 2x निकालेंगे तो 4x रह जाएगा, और लास्ट पे -1 है तो वो वैसे ही लिख देंगे। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड पे और 0 को राइट साइड पे लिख दें, ये आएगा 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो इक्वल के एक साइड पे 0 है और इक्वल के दूसरी साइड पे सबसे पहले x² वाला नंबर, उसके बाद x वाला नंबर, उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 को किया है, ऐसे ही पार्ट नंबर 4 को करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अजाफी काम ये करना होगा कि ये जो 4 है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। फिर इधर जो दो टर्म्स रह जाएगी उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस 4 को दूसरी साइड पे लेके जाने लगा हूं। जो बाकी टर्म्स हैं उनको एज इट नीचे लिख देते हैं। ये आता है एक्स प्लस 4 और इसके नीचे आता है एक्स माइनस 2, और इसी तरह से ये नेगेटिव नीचे वैसे ही आ जाएगी, जबकि आगे है एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस 4। ये 4 जो है वो हम खुद इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवाया है। जैसे हम लोगों ने इधर 6 था, इसको हम लोगों ने सोल्व किया, एज इट हम इसको सोल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का लेंगे एलसीएम, चूँकि ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो इनको एज ए एलसीएम, इनका जो प्रोडक्ट होगा एज ए एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देंगे। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 4, और सेंटर में नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट आ जाएगी। जबकि ये एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आएगा एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब नीचे जो है इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को 4 से किया तो बनेगा प्लस 4x, ठीक है। ये नेगेटिव एज इट रहेगी। जब कहीं पर नेगेटिव आ जाती है तो उसके लिए हम बॉक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट, क्योंकि उस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो जहां पे भी नेगेटिव आए वहां पर आप लोग जो है ब्रैकेट लाजमी यूज़ किया करें। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर, सेंटर में माइनस आएगा 2 जो है वो फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में नेगेटिव है, और आगे आएगा एक्स इंटू 2 और फिर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए टर्म, ये ए टर्म आ गई, ये बी टर्म का स्क्वायर, और सेंटर में 2 और ए टर्म और बी टर्म आ गई, और जो ये है नेगेटिव 4 वैसे ही रहेगा। जबकि नीचे वाले हम लोग इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि x x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाता है। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x। इसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस 4x एज इट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये आएगा माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4 और साथ में आएगा एक्स, और आगे जो है ये वाली पॉजिटिव इस नेगेटिव को ऐसे नेगेटिव हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके इक्वल में आता है माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4 और ये दोनों टर्म्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और इसके साथ हम लोग इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये 4x और ये 4x ऐड होके 8x बन जाएगा, और बाकी यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 4, और इक्वल के दूसरी साइड पे आता है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 4x स्क्वायर, और आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा 8x, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 8x। इसके आगे ये दोनों टर्म्स इधर ये माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी और ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 4x स्क्वायर और फिर आता है प्लस 8x,
ये माइनस का 4x स्क्वायर इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, इस 8x को नीचे लिख दिया, ये 8x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 8x हो जाएगा और ये माइनस 4 वैसे ही आ जाएगा और इक्वल टू आएगा 0। ये 8x प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो टर्म रहती है वो मैं इधर लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4, ये दो टर्म्स बच गई थी, इक्वल टू आएगा 0। इन दोनों में से 4 कॉमन आता है तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 होता है, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो x स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म मिसिंग हो जाती है, सिर्फ x स्क्वायर वाली और कांस्टेंट नंबर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सो ये जो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया है ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सो ये है इसका आंसर। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, जिसको भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो लेफ्ट साइड पर हमें इधर भी एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एज ए एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस 4 एज ए एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर कर दें, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 3, सेंटर में नेगेटिव है, नेगेटिव है, ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ और इक्वल के दूसरी साइड पे 1 है वो एज इट रहेगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस 3x, और आगे ये नेगेटिव के लिए बॉक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि जब इनको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव सभी नंबर्स के सिंबल चेंज करेगी। तो अभी हम x को x के साथ करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, फिर x को 5 के साथ करेंगे तो माइनस 5x आएगा, फिर 4 को x के साथ करेंगे तो प्लस 4x बन जाएगा, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, और इसी तरह से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू आ जाएगा 1। ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर नीचे वैसे आ जाएगा और प्लस 3x भी नीचे वैसे आ जाएगा, इस नेगेटिव को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, जब अंदर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी नेगेटिव एक्स स्क्वायर और फिर 5x में से 4x निकाल देंगे, बाकी आएगा 1x, वो होगा माइनस का माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस x बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का x आएगा। इसको एक बार डिटेल से देख लें, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस x लिख दिया और आगे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव 20 आएगा। ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट आ जाएगी, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनको फर्दर सोल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ये इस वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 3x और ये 1x ऐड होके 4x बन जाएगा और प्लस 20 आ जाएगा एज इट प्लस 20, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये टर्म्स इधर ऐड हो रही हैं, दूसरी तरफ जाके सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 4x इधर प्लस है, इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, ये 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके सिंबल्स डिफरेंट हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रहेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 20 को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और 0 को राइट साइड पे। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को भी ऑब्जर्व करें तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाली टर्म मिसिंग हो उस वाली इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है।
अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट। इसको भी हम लोगों ने एलसीएम मेथड से करना है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिएगा जो लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो इनका प्रोडक्ट एज ए एलसीएम कंसिडर करेंगे, जबकि राइट साइड में जो कुछ भी है उसको एज इट लिखेंगे जो कि है 25/12। तो ये नीचे वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। सेंटर में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x प्लस टू से मल्टीप्लाई होकर x प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस टू का स्क्वायर। अब फर्दर सोल्व करते हैं, ये जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25/12 राइट साइड वाली टर्म को एज इट लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो जब x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा प्लस 3x। इसी तरह से इस 1 को हम लोग जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। आगे हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और आगे प्लस टू फॉर्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स और फिर सेकंड टर्म यानी कि टू, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर आएगा। नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा एक्स का स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 3x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 6। इसके बाद हम लोग फर्दर इनको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड कर देंगे तो वो बनेगा 2x स्क्वायर, 3x और 1x 4x बन जाएगा, तो ये आएगा प्लस 4x, और उसके बाद ये वाला 3 एज इट लिख दें प्लस 3, और उसके बाद ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4, और साथ में x वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वो 4 आ जाएगा नीचे एज इट। और नीचे वाली टर्म को भी सिंपलीफाई करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 3x आपस में ऐड होके बन जाएगा 5x, और प्लस 6 नीचे वैसे ही आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आता है 25/12, तो ये नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब फर्दर इनको और सोल्व करते हैं, जब इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x का स्क्वायर, 4x में से 4x को ऐड कर देंगे तो बनेगा 8x, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 7, और डिनोमिनेटर में आता है x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x और प्लस 6 वैसे आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आता है 25/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इनको एज इट मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें क्या फ़र्क आएगा वो ज़रा भी देखिएगा। ये आता है 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, फिर आता है प्लस 8x प्लस 7 और इज इक्वल टू आएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। लो भी इसके आगे हम लोगों ने इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 और साथ में एक्स स्क्वायर, फिर 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 96 और साथ में x आएगा, फिर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84 और इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 125 और साथ में x, और 125 को 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 150 रिजल्ट बनेगा। इसके आगे ये सारी टर्म्स इधर ऐड हो रही हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये सारी माइनस हो जाएंगी, इधर रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ये 24 इधर माइनस हो रहा है इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आएगा माइनस 24 और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद आगे आता है ये वाली टर्म प्लस 125 एक्स, एक्स वाली टर्म इधर ये प्लस की है इधर आके माइनस की हो जाएगी 96x। इसके आगे आता है 150, ये 150 लिख लेते हैं, और ये 84 जो है इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 84,
ये हो गया माइनस। आप इस ज़ीरो को नीचे एज इट लिखेंगे, 25 में से 24 निकालेंगे तो जस्ट आएगा एक्स स्क्वायर। इसके आगे आता है 125 में से 96 निकाल देंगे तो प्लस का हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 29। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया, 29x आ गया। इसके आगे 150 में से 84 निकालेंगे तो प्लस का आएगा 66। ज़ीरो को राइट पे लिख लेते हैं और इस टर्म को लेफ्ट पे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ज़ीरो एक साइड पे है और दूसरी साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म और उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट नंबर। तो इसको बोलते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।